आपसे कुछ ही क्षण मिले आज के समारोह के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदया यहाँ पर पधारने वाले हैं, तो आप सभी से आग्रह है अपने अपने नियत स्थान पर कृपया विराजमान हो जाएं। गेट नंबर वन को ओपन रखिए, खोल के रखिए, खोलिए पूरा स्काउट रन। हमारे मुख्य अतिथि महोदय का और विशिष्ट अतिथि महोदय का शुभागमन हो चुका है। स्काउट और गाइड के सदस्यों द्वारा तिलक से अभिनंदन और आग्रह है कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मुख्य अतिथि महोदय का और विशिष्ट अतिथि महोदय का। उनके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए और मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदया के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए मैं आग्रह करता हूं PCPO महोदय से कि कृपया लक प्लांट से महाप्रबंधक महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें और जोरदार तालियां और शॉल से आज के मुख्य अतिथि आदरणीय महाप्रबंधक महोदय का PCPO द्वारा सम्मान, जोरदार तालियां। मैं आग्रह करता हूं CPO लॉ श्रीमती गरिमा श्रीवास्तव से कि पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा मान्य श्रीमती भारती शर्मा महोदय का लखनऊ से स्वागत करें और शॉल से मैम का अभिनंदन करें, सम्मान करें और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय के सम्मान में शानदार तालियां होनी चाहिए। और मैं हमारे स्वागत मंडली से आग्रह करता हूं कि बैज लगाकर महाप्रबंधक महोदय का और अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें और तालियों से गूंजना चाहिए इस सभा का। सादर नमस्कार आदरणीय महाप्रबंधक माननीय श्री अनुपम शर्मा महोदय, अध्यक्षा पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन माननीय श्रीमती भारती शर्मा महोदय, महिला कल्याण संगठन की माननीय सदस्याएं, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी श्री JKP सिंह, सम्मानित विभागाध्यक्षगण, पांचों मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक महोदयगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, ECRKU के अध्यक्ष श्री DK पांडे जी, महासचिव श्री SNP श्रीवास्तव जी, ECRKU के अन्य पदाधिकारी, SC ST एसोसिएशन के
महासचिव श्री पवन राम जी और अन्य पदाधिकारी, उत्कृष्ट सेवा से पुरस्कृत होने वाले समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, समस्त गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज के गरिमापूर्ण रेल सप्ताह समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दीप बनकर जल उठे हैं, दीप बनकर जल उठे हैं हम सभी के हृदय, दीप बनकर जल उठे हैं हम सभी के हृदय, पुष्प जैसे खिल उठे हैं हम सभी के हृदय, श्रद्धा के चंदन से है आपका अभिनंदन, श्रद्धा के चंदन से है आपका अभिनंदन, आपके आगमन से है उपकृत नयन, आपके आगमन पर आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन। सर्वप्रथम हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और संरक्षक महाप्रबंधक माननीय श्री अनुपम शर्मा महोदय का उल्लासपूर्ण तालियों से स्वागत और अभिनंदन। माननीय महोदय, आपका हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। इस गौरवपूर्ण अवसर पर प्रेसिडेंट ECR WWO माननीय श्रीमती भारती शर्मा महोदया का ससम्मान तालियों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए हृदय से आभारी हैं। ECR WWO की माननीय सदस्याओं के आगमन से यह समारोह और भी भव्य हो गया है। आपने इस समारोह का मान बढ़ाया है, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज पुरस्कार वितरण समारोह में 186 कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में इनोवेशन के लिए, सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए आदरणीय महाप्रबंधक महोदय द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। हमें आपकी कर्म निष्ठा पर गर्व है, आपकी महती उपलब्धि पर गर्व है। आप सभी को हार्दिक बधाई, आप सभी का शानदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। आज इस समारोह में 7 नेशनल रेलवे अवार्डीज भी मौजूद हैं, जिन्हें अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टतम योगदान देने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 66वां राष्ट्रीय रेल पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। आपकी यह स्वर्णिम उपलब्धि हम सभी के लिए गौरव की बात है। आप सभी को भी आदरणीय महाप्रबंधक महोदय के कर कमलों द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। हमें आप पर गर्व है, आप सभी को हार्दिक बधाई, जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और कार्यक्रम का, समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होगा और मैं PCPO महोदय से आग्रह करता हूं कि महाप्रबंधक महोदय को और अध्यक्षा पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन महोदया को कृपया दीप प्रज्वलन के लिए ससम्मान मंच पर लाएं। GM सर को और GM मैम को दीप प्रज्वलन के लिए, और दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। महाप्रबंधक महोदय और विशिष्ट अतिथि महोदया के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन
और मैं आग्रह करूंगा साथ में यहाँ पे जितने PhDs मौजूद हैं, ECR WWO की मेंबर्स मौजूद हैं, ECRKU के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, SCST एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट, और हमारे उपस्थित PhDs से आग्रह है कि कृपया वे भी मंच पर शरीक हों और दीप प्रज्वलन के साक्षी बने। यह दीप है उत्सव का, उल्लास का, उमंग का, उत्थान का, महाप्रबंधक महोदय के कर्तव्यों द्वारा दीप प्रज्वलन। यह दीप है दियारम महोदयगण से आग्रह है कि वे भी इस मंच पर आए और दीप प्रज्वलन समारोह में सम्मिलित हों। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे महाप्रबंधक महोदय विशिष्ट अतिथि शिक्षा महोदया के साथ सभी PhDs, सभी DRMs और ECRKU के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट मंच पर मौजूद हैं दीप प्रज्वलन के लिए। मैम से आग्रह है, धन्यवाद मैम, और GM सर से, PhD से मैं आग्रह करूंगा कृपया मंच पे बने रहेंगे, और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात रेल सप्ताह पुस्तिका का विमोचन, PhD से कृपया आग्रह है, कृपया मंच पे बने रहे पांडे जी, जनरल सेक्रेटरी, रेल पुस्तिका का विमोचन होगा, आप भी शरीक हो, आप भी शामिल हो। महाप्रबंधक महोदय के कर कमलों द्वारा रेल सप्ताह पुस्तिका का विमोचन, इस पुस्तिका में पुरस्कृत कर्मवीरों, वीरांगनाओं की उपलब्धियों की और कीर्तिमानों की का उल्लेख है, आपके प्रशस्ति और गौरव गाथा का उल्लेख है, जोरदार तालियां। इसमें आपके मार्गदर्शन के लिए महाप्रबंधक महोदय का संदेश है। ये प्रशस्ति पुस्तिका है जिसका विमोचन आदरणीय महाप्रबंधक महोदय के कर कमलों द्वारा सभी PhDs, सभी DRMs और जनरल सेक्रेटरी ECRKU और प्रेसिडेंट ECRKU की उपस्थिति में संपन्न हुआ। धन्यवाद आदरणीय महाप्रबंधक महोदय। इस पुस्तिका में जितने अवार्डी हैं उनकी प्रशस्तियों और कीर्तिमानों का उल्लेख है। धन्यवाद आदरणीय महाप्रबंधक महोदय, धन्यवाद विशिष्ट अतिथि महोदय। अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। आपके सम्मान में, आपके स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। आज का दिन हर्ष और उल्लास के साथ आपकी उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है, अतः अगले चरण में आप सभी माननीय अतिथियों के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सर्वप्रथम पूर्व मध्य रेल की कल्चरल टीम के द्वारा आपके स्वागत में अभिनंदन गीत। मैं पूर्व मध्य रेल मुख्यालय हाजीपुर के कलाकारों से आग्रह करता हूँ कि अभिनंदन गीत के माध्यम से गणमान्य अतिथियों का, मुख्य अतिथि महोदय का, विशिष्ट अतिथि महोदया का हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें।
स्वागतम। अब इन्हीं कलाकारों द्वारा, मुख्यालय की कल्चरल टीम द्वारा सूफियाने गीतों की प्रस्तुति, सूफी गानों का एक मेडले है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। ऐसे गीत जो सदियों से हम सभी के दिलों को छूते आ रहे हैं, सूफियाने गीतों का मेडले।